अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं डाइट क्लिनिक बाय मानू रुबैद। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी यमी और टेस्टी रेसिपी। चले चलते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए गोभी का एक छोटा फूल, साफ़ सुथरी गोभी लेनी है आपने। 3 टेबलस्पून हमें चाहिए मटर, 2 अंडे, साथ ही हमें चाहिए चिकन के क्यूब्स और कैप्सिकम और कैरेट्स। अपने हिसाब से आप मेजरमेंट्स ले सकते हैं। मैंने एक स्मॉल साइज़ कैरेट और हाफ शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम ली है, साथ ही मैंने ले लिया है अदरक और लहसुन क्रश किया हुआ। मैंने पेस्ट नहीं लिया, मैंने इन्हें क्रश कर लिया। ये बहुत ही सिंपल और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, इनसे हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। अब चलते हैं हम इसकी प्रिपरेशन की तरफ। हमने लेने हैं 2 अंडे, इन्हें हमने तोड़ लेना है और अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है नमक और काली मिर्च। में नमक और काली मिर्च ऐड करी हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से सीजनिंग्स ऐड कर सकते हैं। इसमें आप पेपरिका डाल सकते हैं, अनियन पाउडर डाल सकते हैं। अब जिसे अच्छे से फेंट लेना है ताकि नमक और काली मिर्च मिक्स हो जाए। काली मिर्च कभी कभार तंग करती है मिक्स होने में, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये लें जी, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम लेंगे अपना पैन, उस पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1/2 टीस्पून, और इसे टिश्यू की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे पैन को। जैसे ही हमारा पैन हीट अप हो जाएगा, हमने इसमें ऐड कर देना है अपना फेंटा हुआ अंडा। इस तरह से ऐड करके इसे चारों तरफ फैला लेंगे अच्छे से। आपने दम वाली आंच पे इसे कुक करना है, और जब ये अपना कलर चेंज कर लेगा, ऊपर से पक जाएगा, आपने इसे फ्लिप नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही पकाना है। जब ये पक जाएगा तो आपने इसे प्लेट में निकाल लेना है। ये हमारा एक स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने पैन लेना है अपना, और उसमें हमने डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का। ऑयल को हमने हीट अप करना है, और उसमें हमने ऐड कर देना है अदरक और लहसुन क्रश्ड करके जो हमने रखा हुआ था, उसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे, और साथ ही उसमें ऐड कर देंगे हम चिकन। ये हमने इसमें चिकन डाल दिया है, चिकन क्यूब्स की सूरत में कट किया हुआ मैंने। इस चिकन को हमने कुक करना है 5 से 7 मिनट, जब तक ये अच्छे से कुक हो जाएगा। चिकन का पिंक कलर ख़त्म करना है हमने, इसे बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा जब ये कलर चेंज करने लग जाए गोल्डन में, तो हमने इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। अब हम 3 से 4 मिनट तक वेजिटेबल को उसी ऑलिव ऑयल में पकाएंगे जिसमें हमने चिकन पकाया है, उसी पैन में। एक्सेस ऑयल हम इसमें नहीं डालेंगे। वेजिटेबल कुक करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक। सॉल्ट टू टेस्ट आप डाल सकते हैं, जितना आपको सॉल्ट पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट का डाला है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, और 1/2 टीस्पून ही मैंने डाला है ब्लैक पेपर का। हम इसे कुक करेंगे अच्छे से, वेजिटेबल्स भी कुक हो जाएंगी, सीजनिंग्स भी इसमें रच बस जाएंगी, इस तरह से कुछ दिखने लग जाएगा। जो ऑमलेट हमने बनाया था उसके छुरी की मदद से इस तरह से पीसेस कर लिए हैं मैंने, क्यूब्स की सूरत में स्क्वायर्स छोटे छोटे काट लिए हैं मैंने। चिकन और वेजिटेबल कुक किया है, उसे हमने प्लेट में निकाल लेना है, और उसी पैन में हमने ऐड कर देना है क्रश किया हुआ कॉलीफ्लावर, यानी जो गोभी हमने ली थी उसको अच्छे से क्रश कर लेना है। ब्लेंडर का यूज़ कर लें, चॉपर का यूज़ कर लें, इसे अच्छे से इस तरह से बारीक पार्टिकल्स में कर लेना है, और इसे कोई एक्स्ट्रा ऑयल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे हमने इसी में भूनना है। जब ये कलर चेंज कर लेगी इस तरह से, इसका मतलब है गोभी भुन गई है। अब इसमें कच्चेपन का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, जो वेजिटेबल्स हमने और चिकन पहले कुक किया है हम इसमें वो ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे एग जो हमने ऑमलेट बनाया था अपना, वो भी। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मज़ीद 3 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि सब कुछ एक साथ मिल जाए। अच्छे से मिक्स करना है इसे, और मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। 3 मिनट के बाद हम इसे अपने बाउल में निकाल लेंगे। ले जी, हमारी हेल्दी रेसिपी तैयार है। इसमें अंडा है, चिकन है, वेजिटेबल्स हैं, और बहुत ही थोड़ी अमाउंट में ऑयल है, यानी बैड कैलोरीज बहुत कम है और गुड कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं। हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन है इसमें। इसको इंटेक करने के बहुत से तरीके हैं। आप इसे एज इट इज़ स्पून के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी होता है। इसके अलावा आप इसे राइस के साथ ले सकते हैं, आप इसे रोटी के साथ ले सकते हैं, आप इसे ब्रेड के साथ ले सकते हैं। आपकी प्रायोरिटी, जो चीज़ आप उसके साथ इसको ले सकते हैं। बच्चे अगर सब्जियां खाना पसंद नहीं करते तो इस तरह से उन्हें बना के दे, वो अंडा भी खा लेंगे, सब्ज़ी भी खा लेंगे, चिकन भी खा लेंगे। वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अच्छी है। आप इसे लंच में लें, इसे डिनर में लें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, और मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।